Today we are going to discuss the part 7 of unit 4, that is conventional and non-conventional energy source, and we will discuss today about the geothermal energy resources. Basically hota kya hai geothermal energy sources mein, geo means earth and therm means heat. To dharti ki heat, dharti ki jo ushma hai, that is known as geothermal energy. तो इसमें क्या करते हैं, जियो थर्मल एनर्जी में धरती अर्थ के नीचे से, अर्थ क्रस्ट के नीचे से एनर्जी लेते हैं. तो एनर्जी किस तरीके की उसमें से हमें मिल सकती है, एनर्जी में उस तरीके हमें स्टीम और हॉट वाटर के रूप में मिलती है, या कुछ बहुत गर्म रॉक्स होती हैं उसके फॉर्म में मिल सकती है. तो उसमें हम क्या करते हैं, बेसिकली जो भी हम प्लांट्स पढ़ेंगे या जो भी अभी आगे मैं डिस्कस करूँगा, उसमें दो तरीके के वेल बनाते हैं, एक इंजेक्टेड वेल बनाते हैं, एक प्रोडक्शन वेल बनाते हैं. इंजेक्शन से क्या करते हैं, इंजेक्शन वेल से हम क्या करते हैं कि अगर नीचे हॉट रॉक, गर्म चट्टान है कोई, तो हम इंजेक्शन वेल से क्या करते हैं, पानी डालते हैं. तो पानी डालते हैं तो दूसरी तरफ से प्रोडक्शन वेल जो होता है उससे हमको स्टीम या हॉट वाटर भी मिल सकता है. ठीक है, उस स्टीम को हम स्टीम टर्बाइन के साथ यूज करके फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए यूज कर सकते हैं. ये प्रोसेस है. तो जितने भी प्लांट होंगे उसमें एक इंजेक्शन वेल होगा, एक प्रोडक्शन वेल होगा. तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके की एनर्जीज हमें मिलती है, और दो तीन तरीके के प्लांट हैं वो हम डिस्कस करेंगे आगे. जियोथर्मल एनर्जी, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, द वर्ड जियोथर्मल कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड जियो. जियो मीन्स अर्थ एंड थर्म मीन्स हीट. इट मीन्स द हीट ऑफ अर्थ. दिस इज थर्मल एनर्जी ट्रैप्ड बीनीथ एंड विद इन द सॉलिड क्रस्ट ऑफ द अर्थ. धरती की सतह के नीचे जो होता है उसको बोलते हैं थर्मल हीट एनर्जी. दिस एनर्जी एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ स्टीम, हॉट वाटर और हॉट मेल्टन रॉक. इट इज रिलीज्ड नेचुरली इन द फॉर्म ऑफ ग्लेशियर्स, हॉट स्प्रिंग और वोल्केनिक इरप्शन. तीन तरीके के रूप में नेचुरली ये रिलीज होता है, नीचे से ग्लेशियर्स के फॉर्म में, हॉट स्प्रिंग के फॉर्म में एंड वॉल्केनिक इरप्शंस. रिसोर्सेज ऑफ जियोथर्मल एनर्जी, देयर आर फाइव काइंड ऑफ रिसोर्सेज इन जियोथर्मल एनर्जी. नंबर वन इज हाइड्रोथर्मल और हाइड्रोजियोथर्मल एनर्जी रिसोर्सेज. सेकेंड वन इज पेट्रोथर्मल और पेट्रोजियोथर्मल एनर्जी रिसोर्सेज. थर्ड इज जियो प्रेशर रिसोर्सेज. फोर्थ इज मैग्मा रिसोर्सेज. मैग्मा क्या होता है, मैग्मा इज एक्सट्रीमली हॉट लिक्विड एंड सेमी लिक्विड रॉक लोकेटेड अंडर द अर्थ सरफेस. ये धरती के नीचे लिक्विड और सेमी लिक्विड फॉर्म में एक हार्ड रॉक होता है जो बहुत गर्म होता है. व्हेन मैग्मा फ्लो ऑन अर्थ सरफेस इट इज कॉल्ड लावा. वही जो लावा, जो मैग्मा फटता है और धरती पे जब वो बहता है तो उसी को हम लावा कहते हैं, वॉल्केनोस. फिफ्थ वन इज वॉल्केनोस. हाइड्रोथर्मल सिस्टम आर सब क्लासिफाइड एज नंबर वन वेपर डोमिनेटेड और ड्राई स्टीम फील्ड. सेकेंड वन इज लिक्विड डोमिनेटेड सिस्टम और वेट स्टीम फील्ड. थर्ड इज हॉट वाटर फील्ड्स. नाउ यू कैन सी इन द फिगर, ये धरती के नीचे का हिस्सा है, इसमें स्टीम और गैस है नीचे, जैसा देख सकते हैं. ये ऊपर से हॉट स्प्रिंग निकल रहा है एट द टेम्परेचर ऑफ 212 डिग्री फॉरेनहाइट, और इधर से स्टीम निकल रहा है एट 400 डिग्री फॉरेनहाइट. नीचे देखिए मैग्मा है, मैग्मा जो मैंने अभी बताया था आपको, बॉयलिंग और क्रिस्टलाइजेशन ऑफ हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर. नीचे है रॉक होता है, रॉक के नीचे मैग्मा होता है, मैग्मा उस रॉक को गर्म करता है, हीट देता है. जियोथर्मल एनर्जी सोर्सेज में हो गया, दीज आर द डिपॉजिट्स ऑफ हॉट वाटर एंड स्टीम एट लेसर डेप्थ. बहुत कम दूरी पे मिल जाता है, ये बहुत कम गहराई पे मिल जाता है. हॉट वाटर एंड स्टीम कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाय मीन्स ऑफ प्रोडक्शन वेल. जैसे मैंने बताया था कि एक इंजेक्शन वेल होता है, एक प्रोडक्शन वेल होता है. तो प्रोडक्शन वेल से हम जो भी प्रोड्यूस करेंगे दैट इज नोन एज प्रोडक्शन. तो
इसलिए उसको नाम, उस वेल को नाम दिया गया है प्रोडक्शन वेल, जिससे भी जो भी हम प्रोडक्ट निकालेंगे, हॉट वाटर निकालेंगे, स्टीम निकालेंगे, या कम्बिनेशन ऑफ बोथ निकालेंगे. हाइड्रो जियोथर्मल एनर्जी रिसोर्सेज आर फर्दर सब डिवाइडेड. नंबर वन वेपर डोमिनेटेड सिस्टम एंड नंबर टू लिक्विड डोमिनेटेड सिस्टम. वेपर डोमिनेटेड सिस्टम प्रोड्यूसेस स्टीम विद वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर और विद नो वाटर. वेपर डोमिनेटेड सिस्टम में हम मैक्सिमम स्टीम निकलता है और बहुत कम मात्रा में पानी निकलता है या पानी नहीं भी हो सकता है. इन लिक्विड डोमिनेटेड सिस्टम प्रोड्यूसेस ए मिक्सचर ऑफ स्टीम एंड हॉट वाटर. इन लिक्विड डोमिनेटेड सिस्टम में मिक्सचर जो है स्टीम और हॉट वाटर होता है. जहाँ तक मेरा ख्याल है इसमें 1/3 जो है हॉट वाटर होता है एंड 1/4 और 1/4 जो है स्टीम होता है. 3/4 पानी होता है, 1/4 3/4 जो है हॉट वाटर होता है, 1/4 स्टीम होता है. पेट्रो जियोथर्मल एनर्जी रिसोर्सेज में हम पढ़ेंगे. इन पेट्रो जियोथर्मल एनर्जी रिसोर्सेज दिस इज कॉल्ड एज हॉट ड्राई रॉक, दैट इज ऑल्सो नोन एच टी आर. जियोथर्मल रिसोर्सेज, इन पेट्रो जियोथर्मल रिसोर्सेज द हीट कंट्रोल. इन पेट्रो जियोथर्मल एनर्जी रिसोर्सेज दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज हॉट ड्राई रॉक एच टी आर. इसमें आप देख सकते हैं रॉक है, उसमें कैविटी है, रॉक के नीचे मैग्मा है. मैग्मा क्या कर रहा है, हीट दे रहा है रॉक को, तो रॉक उससे गर्म हो रहा है. इधर एक साइड इंजेक्शन वेल बना हुआ है, एक तरफ से प्रोडक्शन वेल है. इंजेक्शन वेल से हम पानी डालेंगे और स्टीम लेंगे प्रोडक्शन वेल से. इन पेट्रो जियोथर्मल रिसोर्सेज द हीट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द हॉट ड्राई रॉक विच इज हीटेड बाई मैग्मा. मैग्मा जैसे मैंने बताया था कि एक्सट्रीमली हॉट लिक्विड और सेमी लिक्विड रॉक होता है, जो कि बहुत ज़्यादा गर्म होता है. यही धरती कई बार फट करके जब बाहर निकलता है तो उसको हम लावा कहते हैं. तो ये इतना इसमें ज़्यादा टेम्परेचर होता है कि इसके ऊपर जो रॉक होती है उसको ये गर्म करता है. तो हम इंजेक्शन वेल से जब पानी डालते हैं तो वो पानी गर्म होकर के हीट के फॉर्म में हमें मिलता है. द टेम्परेचर ऑफ हॉट ड्राई रॉक एट अबाउट थ्री किलोमीटर इज 150 डिग्री सेंटीग्रेड टू 290 डिग्री सेंटीग्रेड. वाटर डज नॉट एग्जिस्ट एंड ओनली हीट इज अवेलेबल इन हॉट ड्राई रॉक. इसमें क्या होता है कि जब हम ठंडा पानी डालते हैं तो करीब 3 किलोमीटर धरती के नीचे जा करके, अर्थ से 3 किलोमीटर के नीचे जा करके जो हमें रॉक मिलता है, जो गर्म होता है, उस पर जब पानी पड़ता है तो वो रॉक करीब 150 डिग्री सेल्सियस से 290 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है. तो उससे हमें बहुत बड़ी मात्रा में हीट मिलती है, हीट जनरेट होती है, स्टीम के फॉर्म में हीट मिलती है. द कोल्ड वाटर इज इंजेक्टेड टू द कैविटी ऑफ हॉट ड्राई रॉक थ्रू द इंजेक्शन वेल. जैसा मैंने पहले बताया कि इंजेक्शन वेल से हम कोल्ड वाटर डालते हैं. द कोल्ड वाटर इज गेट्स हीटेड, वो पानी गर्म हो जाएगा रॉक से. द हॉट वाटर एंड स्टीम कैन बी पम्प्ड आउट फ्रॉम द प्रोडक्शन वेल. इंजेक्शन वेल से हम ठंडा पानी डालेंगे जो हॉट रॉक पे पड़ेगा. हॉट रॉक किससे गर्म होता है, हॉट रॉक मैग्मा की वजह से गर्म होगा, क्योंकि मैग्मा का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है. तो वो हॉट रॉक को गर्म करेगा, उस हॉट रॉक पे हम इंजेक्शन वेल से पानी डालेंगे. जो ठंडा पानी डालेंगे हम प्रोडक्शन वेल से, हमें वो स्टीम और हॉट वाटर के रूप में प्राप्त होगा. जो वही हीट वही स्टीम हम यूज़ करके टर्बाइन को देंगे. टर्बाइन में वो जब स्टीम जाएगा, टर्बाइन जब रोटेट करेगी तो टर्बाइन से हमारा शाफ्ट कनेक्टेड रहेगा, वो शाफ्ट जनरेट करेगा, रोटेट करेगा. उस शाफ्ट से कनेक्टेड जनरेटर रहेगा, वो जनरेटर फिर हमारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा. और जो भी एग्जॉस्ट होगा टर्बाइन से वो हम कंडेंसर में आएगा. वो जितनी भी स्टीम टर्बाइन से एग्जॉस्ट होगी वो कंडेंसर में कंडेंस होगी. कंडेंस होके फिर हम हीट एक्सचेंजर के थ्रू उसको
अर्थ के नीचे वापस दे देंगे, कंडेंस होके वो पानी के फॉर्म में फिर से वो कोल्ड वाटर हो जाएगा, उसको फिर हम नीचे दे देंगे। वेपर डोमिनेटेड पावर प्लांट में क्या होता है, इन वेपर डोमिनेटेड पावर प्लांट दिस इज ऑल्सो नोन एज ड्राई स्टीम फील्ड्स, द जियोथर्मल फ्लूइड फॉर दिस प्लांट इज ड्राई स्टीम एट टेम्परेचर बिटवीन 100 डिग्री सेल्सियस टू 240 डिग्री सेल्सियस। ड्राई स्टीम फ्रॉम द रिजर्वायर फ्लोस टू द सेंट्रीफ्यूगल सेपरेटर थ्रू द प्रोडक्शन वेल। इसमें एक सेंट्रीफ्यूगल सेपरेटर लगा रहता है, इसमें देखिए जैसे डायग्राम में साफ साफ पता बना हुआ है, प्रोडक्शन वेल है, री इंजेक्शन वेल है। हम वापस जब एग्जास्ट को वापस जब धरती के नीचे डालेंगे तो दैट विल बी थ्रू री इंजेक्शन वेल। एज द स्टीम फ्लोज टूवर्ड्स द ग्राउंड सरफेस इट एक्सपेंड एंड कूल्स। जब जैसे ही हमें ड्राई स्ट्रीम मिलेगी वो स्टीम एक्सपेंड होगी और फिर ठंडी हो जाएगी। द सेंट्रीफ्यूगल सेपरेटर रिमूव द इम्प्योरिटीज फ्रॉम स्टीम। जो सेंट्रीफ्यूगल सेपरेटर का काम है, जितनी भी इम्प्योरिटी उस स्टीम में होगी, जितनी भी स्टीम में एक्स्ट्रा चीज़ें मिली हुई होंगी, उनको सेपरेट करके प्योर स्टीम स्टीम टर्बाइन को देगा। फिर स्टीम टर्बाइन में रोटेट करेगी स्टीम से, और उससे जो शाफ्ट लगा होगा शाफ्ट रोटेट करेगा, शाफ्ट से हमारा थ्री फेज सप्लाई जनरेटर लगा होगा जो कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा, और जितनी भी एग्जॉस्ट स्टीम होगी टर्बाइन से वो फिर डायरेक्ट कंडेंसर में चली जाएगी, कंडेंसर में जाके वो कंडेंस हो जाएगी। कंडेंसर विल बी कनेक्टेड विद द कूलिंग टावर, कूलिंग टावर से कनेक्टेड रहेगा, तो कंडेंसर में वो जो भी स्टीम है वो कंडेंस होके वापस लिक्विफाई हो जाएगी, तो लिक्विड के फॉर्म में आएगी, तो उसको हम री इंजेक्शन वेल से फिर री इंजेक्ट कर देंगे, ठीक है। देन द स्टीम इज एडमिटेड टू द टर्बाइन वेयर द स्टीम एक्सपेंड एंड प्रोड्यूसिंग द काइनेटिक एनर्जी। द लो प्रेशर स्टीम इज कंडेंस इन द कंडेंसर एंड री इंजेक्टेड इन टू द अर्थ बाई री इंजेक्शन वेल। लिक्विड डोमिनेटेड सिस्टम, लिक्विड डोमिनेटेड सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड एज वेट स्टीम फील्ड। वेट स्टीम फील्ड आर अवेलेबल 20 टाइम्स मोर देन द ड्राई स्टीम फील्ड इन द वर्ल्ड। दे गिव वेट स्टीम ए मिक्सचर ऑफ हॉट वाटर एंड स्टीम एट हाई प्रेशर। द स्टीम इज सेपरेटेड एंड एक्सपेंड इन टर्बाइन टू जनरेट लिक्विड स्टीम। डोमिनेटेड स्टीम में क्या होता है, हमें जो स्टीम मिलती है वो वेट स्टीम फील्ड उसको इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें पानी और स्टीम दोनों होता है। इट इज अ मिक्सचर ऑफ हॉट वाटर एंड स्टीम एट हाई प्रेशर। जो भी हमें स्टीम मिलेगी इसमें वो बहुत ज्यादा प्रेशर पे गर्म पानी और स्टीम का मिक्सचर होगा, जिसको कि हम स्टीम और पानी को सेपरेट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने से पहले। There are two types of liquid dominated power plant, flash steam system and binary system. Flash steam system में क्या होता है, as you can see in the diagram. In flash steam system, flash system is preferred for high temperature mixture of geothermal water and steam with low dissolved impurities. The mixture of water and steam are more than 100 degree Celsius. This flash system is not suitable for temperature below 180 degree Celsius and high dissolved impurities. ये system 180 degree Celsius से कम पे और जिसमें ज़्यादा impurities होगी उस पर काम नहीं करेगा। The mixture of geothermal water and steam is delivered to the flash separator. As you can see in the figure, production well से हमें जो है steam और पानी मिलेगा जो कि इस valve से होता हुआ flash steam separator में जाएगा। Flash steam separator will separate the water from the steam and give the proper steam to the steam turbine which generate the shaft. The generator will be connected with the shaft and the three phase supply will be produced and the exhaust steam will then go to the condenser
where it is condensed through the cooling water of cooling tower, cold water of cooling tower, and then this steam converted into liquid will be re-injected to the earth by re-injection well. The turbine is coupled with three-phase generator which produces the electric power. The discharge from the steam turbine is delivered to the direct contact condenser. The discharge fluid re-injected into the ground through the re-injection well. Liquid dominated binary cycle or double flash system. Double flash system को हम liquid dominated binary cycle भी कह सकते हैं. तो इसमें क्या difference होता है? Its efficiency is higher than the single flash system. In this system, two steam separator are used. Single system में single steam separator था, इसमें two steam separator होता है. Multi-stage turbines are also used. The working of double flash system is same as single flash system. The second separator is low pressure separator. The geothermal fluid flashed to a low pressure steam and admitted to the low pressure steam turbine. Hot brine from underground reservoir circuit. Hot brine is nothing but the solution of NaCl in hot water. That is known as hot brine. Hot brine मतलब हो गया hot water with sodium chloride. गरम पानी नमक के साथ जो होता है that is known as hot brine. Hot brine from underground reservoir circulate through a heat exchanger and is pumped back to the ground. In heat exchanger, hot brine transfer its heat to the organic fluid. इसमें हम क्या करते हैं? इसमें हम steam generate करने के लिए एक ऑर्गेनिक फ्लूइड का इस्तेमाल करते हैं इन प्लेस ऑफ हॉट वाटर. इन हीट एक्सचेंजर हॉट ब्राइन ट्रांसफर इट्स हीट टू द ऑर्गेनिक फ्लूइड दस कन्वर्टिंग इट टू सुपर हीटेड वेपर दैट इज यूज्ड इन स्टैंडर्ड क्लोज रैंकिन साइकिल व्हिच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन यूनिट 1. द वेपर ड्राइव्स द टर्बाइन एंड इज कंडेंस्ड इन अ सरफेस कंडेंसर. The condenser is cooled by water from a natural source or cooling tower circulation system. In hot, is to kya difference hua isme? Hum jo liquid dominated binary cycle use kar rahe hain, isme hum jo fluid use karenge, that is not the hot water. Hum koi bhi organic fluid, ammonia use kar sakte hain, freon use kar sakte hain. Is type ka koi fluid hum use karenge. तो जो भी हमें हॉट ब्राइन प्रोडक्शन वेल से मिलेगा वो प्रोडक्शन वेल हीट एक्सचेंजर के थ्रू हमारा जो है उस ऑर्गेनिक फ्यूल को हीट देगा. देन इट विल कन्वर्ट इनटू द वेपर एंड वेपर फिर हमारा टरबाइन में जाएगा. वेपर फ्लो भी टरबाइन में जाएगा. टरबाइन जो है शाफ्ट रोटेट करेगा. शाफ्ट रोटेट करके जनरेटर जो कनेक्टेड रहेगा वो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट करेगा. जितना भी एग्जॉस्ट है वो कंडेंसर में आएगा. कंडेंसर जो है कनेक्टेड रहेगा हमारा कूलिंग टावर से. कूलिंग टावर क्या करेगा? उसको फिर कंडेंस करके लिक्विड फॉर्म में करेगा. फिर वापस वो पंप हो जाएगा हीट एक्सचेंजर में. तो एक साइकिल बन जाएगी. वो लिक्विड जो है फिर से वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा और कन्वर्ट होकर के फिर टर्बाइन में चला जाएगा. फिर ये प्रोसेस साइकिल चलती रहेगी. अनलाइक द ड्राई स्टीम ऑफ डायरेक्ट फ्लैश जियोथर्मल टेक्नोलॉजीज विच आर मोस्ट सूटेड for the use of high temperature resources, the binary process does not take steam from the geothermal fluid directly to the turbine. The binary cycle having no problem of corrosion or scaling in the working fluid loop component, that is turbine, condenser, heat exchanger. Also, there is no contact between geothermal fluid and working fluid. As the geothermal fluid return to the earth, therefore there is no environmental problem. जैसे मैंने बताया था कि ड्राई स्टीम ऑफ डायरेक्ट फ्लैश जियोथर्मल टेक्नोलॉजीज में जो हम यूज करते थे विच आर मोस्ट सूटेड फॉर द यूज ऑफ हाई टेम्परेचर रिसोर्सेज द बाइनरी प्रोसेस डज नॉट टेक स्टीम फ्रॉम द जियोथर्मल फ्लूइड डायरेक्टली टू द टर्बाइन. ये डिफरेंस है. मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ द
जियोथर्मल पावर जनरेशन। मेरिट्स क्या है इसमें, एडवांटेज क्या है, जियोथर्मल एनर्जी इज इनएग्जॉस्टिव, अवेलेबल ऑल द ईयर अराउंड, चीपर इन कॉस्ट कंपेयर टू द एनर्जीज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अदर सोर्सेज, इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी कंबस्टन ऑफ एनी फ्यूएल, इट प्रोड्यूसेस मिनिमम पोल्यूशन। इसका डिमेरिट्स क्या है, डिमेरिट्स है बिकॉज ऑफ द रिलेटिवली पुअर स्टीम कंडीशन एट मोस्ट साइट्स, जियोथर्मल पावर प्लांट यूजुअली पंप्स ओवर 3 times मोर जियोथर्मल एनर्जी इनटू द एनवायरनमेंट फॉर ईच यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस दैन डस अ कन्वेंशनल फॉसिल पावर प्लांट, दिस इज कॉल्ड थर्मल पोल्यूशन। बहुत सारी साइट्स ऐसी होती हैं जहाँ पे हमको हीट बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं मिल पाती है, इसलिए हमको वो कई बार जो है पंप करना पड़ता है। इसमें लिखा है जैसे कि पावर प्लांट यूजली पंप्स ओवर 3 times मोर थर्मल एनर्जी, 3 गुना 4 गुना ज़्यादा एनर्जी देना पड़ता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, जबकि हम कोयले वगैरह से जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, कोयला यूज़ करके करते हैं, तो वो हमारे लिए इनएक्सपेंसिव होता है, और इससे क्या है कि पोल्यूशन भी फिर ज़्यादा होता है, दिस इज कॉल्ड थर्मल पोल्यूशन। टोटल फ्लो जियोथर्मल पावर यूनिट, इन दिस सिस्टम बोथ काइनेटिक एनर्जी एंड हीट एनर्जी ऑफ स्टीम लिक्विड मिक्सचर प्रोड्यूस्ड बाय इन दिस सिस्टम बोथ काइनेटिक एनर्जी एंड हीट एनर्जी ऑफ स्टीम लिक्विड मिक्सचर प्रोड्यूस्ड बाय फ्लैशिंग द जियोथर्मल ब्राइन used. The geothermal brine, जैसे मैंने बताया था, geothermal brine is nothing but water with solution of NaCl. तो H2O plus NaCl का जो combination होता है, उसको बोलते हैं hot brine. Geothermal brine is used. The geothermal brine is passed through special turbines where it expands the drive, the turbine, where it expands and drive the turbine. Which is coupled with the generator. जैसे कि सारे डायग्राम में है, टर्बाइन से फिर जनरेटर कनेक्टेड रहेगा। The geothermal fluid from the turbine is discharged to the condenser. The condensed fluid re-injected into ground by rejection well. लगभग सभी में एक जैसा प्रोसेस है, थोड़ा बहुत चेंजेस है, जैसे कि प्रोडक्शन वेल से हमने हॉट ब्राइन लिया, हॉट ब्राइन से फिर हमने टर्बाइन में लिक्विड को गर्म किया, फिर वो उससे टर्बाइन में स्टीम गई, स्टीम फिर टर्बाइन को रोटेट किया, टर्बाइन रोटेट हुआ तो जनरेटर जो शाफ्ट कनेक्टेड है, शाफ्ट रोटेट हुआ, शाफ्ट से जनरेटर कनेक्टेड है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई, जितनी भी एग्जॉस्ट स्टीम थी वो कंडेंसर में आएगा, कंडेंसर हमारा कूलिंग टावर से कनेक्टेड है, तो फिर वो क्या होगा, कूलिंग टावर से कनेक्टेड है तो फिर वो कंडेंस हो जाएगा, तो जो भी हम ऑर्गेनिक फ्लूड यूज कर रहे थे फॉर द जनरेशन ऑफ वेपराइजेशन, तो वो कंडेंस होकर के फिर से लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा और पंप के थ्रू फिर हम उसको पंप कर देंगे, तो दिस इज द प्रोसेस। और फिर हम अगर हॉट वाटर यूज कर रहे हैं तो फिर कंडेंसर के थ्रू फिर वो हम री इंजेक्शन वेल में डाल देते हैं। अप्लीकेशन ऑफ जियोथर्मल एनर्जी, द मेन अप्लीकेशन ऑफ जियोथर्मल एनर्जीज आर, नंबर 1 जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, नंबर 2 एज एवरीबॉडी नोस, नंबर 2 इंडस्ट्रियल प्रोसेस हीट, नंबर 3 इज स्पेस हीटिंग फॉर बिल्डिंग प्रोडक्शन ऑफ सॉल्ट फ्रॉम सी, नमक भी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं इस प्रोसेस, 5th वन इज टेक्सटाइल इंडस्ट्री, 6th वन इज क्रॉप ड्राइंग, 7th is fish drying and fish meal production, 8th is dried milk production, 9th is mushroom farming, 10th is gasification of coal, 11th is food processing, 12th will be paper manufacturing, 13th will be sewage heat treatment, and 14th used in Japan, as everybody knows, tourism industry. Tourism industry, Japan has 4,000 hot spring and bathing facilities
that attract tourists every year. So this is the detail related with the geothermal energy. In the next lecture, we will discuss the wind energy resources.